नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का वीडियो है ओवरलैप 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 हो जाता है। बहुत सारा कमेंट में क्वेश्चन सुना है कि आप मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा लगाएंगे, 5-6 मिड कैप स्मॉल कैप में लगा देंगे तो ओवरलैप हो जाएगा। इसके बारे में समझते हैं। मान लेते हैं कि एक प्लॉट है, 100-100 गज का प्लॉट है, 100 प्लॉट है, और ये दूसरा है 100-100 गज का 150 प्लॉट है। 100-100 गज का कटा हुआ प्लॉट, प्लॉटिंग किया हुआ है, 150 प्लॉट यहाँ पे है, 100 प्लॉट यहाँ पे है, और एक तीसरा है जगह, बड़ा सा जगह है जहाँ पे 100-100 गज का प्लॉट कटा है और ये लगभग 5,000 है, 5,000 प्लॉट है। तो अब करोड़ों व्यक्ति जो है इसको खरीदने वाला है, तो जब हम खरीदने जाएंगे तो यहाँ का ब्रोकर बोलेंगे, भाई ये तो सब बिक गया, यहाँ पे तो है ही नहीं, यहाँ पे आप ले सकते हैं। यहाँ लेने गए तो यहाँ वाला ब्रोकर बोल रहे हैं, भाई ये भी बिक गया। तो हमने दिमाग लगाया कि जमीन बिक गया ना, उसके ऊपर वाला छत, छत ले सकते हैं ना, छत भी लगभग बिक गया है। ये दिमाग पहले किसी और ने लगा दिया है, छत भी बिक गया, छत के ऊपर के छत भी बिक गया है। एक जगह है जहाँ प्लॉट ही प्लॉट है, आप वहाँ ले सकते हैं। ये 5,000 प्लॉट है, एकदम दूर दूर तक दिखाई जहाँ तक ना दे वहाँ तक प्लॉट है, यहाँ आप ले सकते हैं। और कॉर्नर वाला चाहिए तो लेके उसके ऊपर छत पे भी बना सकते हैं और छत के छत पे भी बना सकते हैं। तो मुझे ये बताइए, प्लॉट खरीदना कहाँ पे आसान है? यहाँ पे, यहाँ पे, या यहाँ पे? तो आप कहेंगे कि यहाँ पे खरीदना आसान है। ठीक उसी तरह पूरे मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड कंपनी है 5,200 कंपनी है, उस 5,200 में लार्ज कैप 100, मिड कैप 150, और बाकी सब लगभग 5,000 जो है स्मॉल कैप कंपनी है, छोटा छोटा कंपनी है। तो अब एक फंड मैनेजर को पैसा आप देंगे तो कहाँ मैनेज करना आसान होगा? अगर आप जबरदस्ती बोले कि हमें यहीं पे खरीदना है तो टॉप के छत के ऊपर जाके धूप में छतरी लगा के बैठेंगे, फंड मैनेजर को पैसा देंगे, खरीद तो लेंगे, तो जबरदस्ती वहीं पे पैसा लगाना पड़ेगा छत पे धूप पे जाके। मिड कैप में भी वही है, 150 है, थोड़ा सा इससे रिलैक्स है कि यहाँ थोड़ा सा तो भाई दिक्कत है, इसे थोड़ा सा रिलैक्स है कि नीचे 150 है कंपनी। स्मॉल कैप में तो प्लॉट खाली है, जाके घर बनाना शुरू कीजिए। तो इसीलिए बोलते हैं कि यदि आप 5 स्मॉल कैप ले लिए तो पता चलता है फंड मैनेजर ये वाला प्लॉट खरीदा, इधर वाला भी खरीदा, इधर वाला भी खरीदा और इधर वाला भी खरीदा। जरूरी थोड़ी है कि ओवरलैप हो जाएगा। अच्छा चलो ओवरलैप हो सकता है कि यहाँ पे ब्रोकर ने यहाँ लिया, यहाँ वाला लिया, तो एक घर में ओवरलैप भी कर गया, मतलब एक जमीन नीचे का है किसी का, अच्छा हमारा हो गया, ओवरलैप हो गया, बात समझ में आता है। लेकिन हर जगह ओवरलैप होगा, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है, अलग अलग फंड मैनेजर के हाथ में होंगे तो डाइवर्सिफिकेशन जरूरी है। क्रिकेट के मैदान में एक ही आदमी को बैट्समैन करके नहीं उतारेंगे, 11 खिलाड़ी चाहिए, 11 में 4-5 बैट्समैन चाहिए। तो उसी तरह से डाइवर्सिफिकेशन चाहिए, कोई ओवरलैप इतना ज़्यादा नहीं होता है। पहले का नियम कानून अलग था, अभी नियम कानून अलग है। आपको पैसा बनाना है, लंबा समय है, तो ज़्यादा प्लॉट जहाँ पे है, ज़्यादा कंपनी जहाँ पे है, ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन जहाँ पे है वहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और इन्वेस्टमेंट के बारे में समझना है तो इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन जरूर पीछे, जो जेन्यून क्वेश्चन है उसका आंसर हम सप्ताह में एक बार देते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।